हेलो गाइज, मेरा नाम है सोम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास पोको M4 5G डिवाइस और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि नोज लाइटिंग इफेक्ट, कैमरा के अराउंड AI इमेज इन्हांसमेंट, AI HDR इन्हांसमेंट, फ्रंट कैमरा वगैरह इफेक्ट और वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। अगर पोको M4 5G ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहेगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा। वीडियो में आगे जाके वैल्यू लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करें तो इस फोन के अंदर आप कीबोर्ड और माउस को भी चला सकते हैं। जी हाँ, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल को कीबोर्ड एंड माउस से। जैसे कि मेरे पास वायरलेस माउस है, आपके पास वायर वाला भी कीबोर्ड एंड माउस हो सकता है, उसको भी अटैच कर सकते हैं। और देखते हैं, मैं अपने फोन को यहाँ पे देखते हैं माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ भी सर्च करना है यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकता हूँ और सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। कीबोर्ड एंड कीबोर्ड भी यहाँ पे इस फोन के अंदर आप चला सकते हैं, मतलब कीबोर्ड से भी इस फोन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको स्पेशल फीचर देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक स्पेशल फीचर का नाम का, ठीक है, सेटिंग। इस पे जाएंगे, यहाँ पे गेम टर्बो का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गेम टर्बो सब में देखेंगे लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का इसमें दिया गया है। मान लीजिए मेरे पास कोई गेम तो नहीं है लेकिन मैंने अमेजोन को यहाँ पे गेम में ऐड कर लिया ताकि आपको दिखा पाऊँ क्या कुछ फीचर है इसके अंदर। यहाँ पे देखते हैं, इसको स्लाइड करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे वॉइस चेंजर का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। इसको अलाउ करेंगे तो यहाँ पे BGMI या फ्री फायर खेलेंगे तो नेक्स्ट वाला आपका स्क्वाड वाला, उसके पास भी यही आपको वॉइस देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप यहाँ पे वुमेन का करेंगे तो वुमेन को भी नेक्स्ट वाले को देखने को मिलेगी। और यहाँ से ट्रायल भी ले सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको। तो तेरे भाई ने ले लिया पोको M4 डिवाइस और बहुत बढ़िया डिवाइस है यार, मजे ही आ गए यार, बहुत मजे आ रहे हैं चलाने में। ट्रिप्स एंड ट्रिप्स लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो तेरे भाई ने ले लिया पोको M4 डिवाइस और बहुत बढ़िया डिवाइस है यार, मजे ही आ गए यार, बहुत मजे आ रहे हैं चलाने में। ट्रिप्स एंड ट्रिप्स लगा रहा हूँ, तो देखते हैं कुछ इस प्रकार का फीचर देखने को मिलता है, वॉइस चेंजर का फीचर, और नेक्स्ट वाले को भी यही वॉइस उसको सुनने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे टाइमर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए आपको फर्स्ट मैच स्टार्ट हो गया तो फर्स्ट टाइमर को आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड मैच चालू हो चुका है तो सेकंड मैच को यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना टाइमर वगैरह लगाना चाहते हैं तो इसमें लगा सकते हैं। और एक चीज आपको हिडन देखने को मिलती है जो कि कोई बोर नहीं करता इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे देखें, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैलेंस मोड, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक मोड आ जाएगा। इस मोड के अंदर आपको दो मोड देखने को मिलेंगे, बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड। जी हाँ, परफॉर्मेंस मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस है ना, थोड़ा नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी। मतलब पिंग वगैरह थोड़ी कम आपको हाई देखने को मिलेगी, आप कंट्रोल करके रखेगा, लैग वगैरह कम देखने को मिले, तो ये आपको देखने को मिलता है इसके अंदर परफॉर्मेंस मोड का फीचर की बात करें तो उसके लिए जाना होगा मोबाइल की सेटिंग में, स्पेशल फीचर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मिलेगा एक वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन। जी है, ये वीडियो टूल बॉक्स काफी यूजफुल फीचर है। मान लीजिए किसी भी ऐप पे आप एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैंने गैलरी पे एक्टिवेट किया, आपका ज्यादा हो सकता है यूट्यूब, यूट्यूब में बहुत लोग इसका यूज करते हैं फिलहाल, लेकिन मैं आपको गैलरी पे करके दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जैसे गैलरी में जाता हूँ, ये मेरे पास एक फोटो है, फोटो करने कोई फोटो नहीं है, गैलरी में ओपन करते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखते काफी सारी चीजें आप फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात देखते प्ले स्टोर को यूज करना है तो फ्लोटिंग विंडो में इसको यूज वगैरह कर सकता हूँ। यहाँ से इसका साइज को रिसाइज कर सकता हूँ और यहाँ पे इसको छोटे से कॉर्नर में भी रख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एग्जिट वगैरह करना है तो एग्जिट कर सकता हूँ। और एक चीज आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, देखते हैं सबसे पहले आप मान लीजिए कोई भी यूट्यूब पर वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसका साउंड आपको चाहिए, वीडियो हमें नहीं देखनी, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। बाई चांस ये तो साउंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप यूट्यूब ऐप में कोई भी सॉन्ग आपके चल रही है वीडियो वाली, लेकिन आपको कह रहा है मेरे को सॉन्ग ही सुनना है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, सॉन्ग चलता रहेगा, वीडियो स्टॉप हो जाएगी और सॉन्ग चलता रहेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है जो कि काफी यूजफुल हो सकती है यार आपके लिए, लिटरली इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। फीचर की बात किया तो इस फोन के अंदर देखते हैं, मैं किसी टास्क मैनेजर पे जाता हूं, इस पे प्रेस एंड होल्ड करता हूं, मान लीजिए गैलरी पे, तो यहां पे स्प्लिट स्क्रीन में इसका यूज करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। देखते हैं एक एप्लीकेशन एक साथ दो एप्लीकेशन का भी यूज कर सकता हूं, जिसे बोलते हैं स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर, और इसको एग्जिट करना है तो यहां से एग्जिट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जाते हैं हम अपने होम स्क्रीन पर। फीचर की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको डिजिटल वेल्बिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, इसमें आप डिजिटल वेल्बिंग पे क्लिक करेंगे। अब ये सारे लोग सोचते हैं कि नॉर्मल चीज है, लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये आपका सारा डाटा बताता है अपने फोन को कितनी बार लॉक एंड अनलॉक किया है, टोटल कितनी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और ये कमाल की बात है कि यहाँ पे डैशबोर्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, और इस फीचर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन रिसीव्ड ये भी बता देगा, गैलरी से 3 नोटिफिकेशन आई है, सिक्योरिटी ऐप से 3 नोटिफिकेशन आई है, मतलब हर एक चीज़ का डाटा रखता है यार। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, और एक फोकस मोड आपको देखने को मिलता है, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। मान लीजिए इस पर मैं इसको अनेबल कर देता हूँ और इसको टर्न ऑन नाउ कर देता हूँ, तो कैमरा एप्लीकेशन में मैंने लगा दिया फोकस मोड, अब मैं कैमरा एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं कर सकता। जी हाँ, लिटरली आपको दिखा दूँ, देख कैमरा एप्लीकेशन का जो कलर है बिल्कुल फीका हो चुका है, मतलब देखते हैं फेड हो चुका है, और इस पर क्लिक करूंगा तो भाई साहब ये बोलेगा 5 मिनट के लिए फोकस मोड लगा रखा है आपने, 5 मिनट तक इस ऐप का यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी भी चीज़ पे आप फोकस करना चाहते हैं तो फोकस मोड का यूज कर सकते हैं, उसको चाहकर भी आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है फोकस मोड वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है यहाँ पे एडिशनली सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन। जी अपने फोन के अंदर देखते 3 ही बटन है, इसको फोर्थ बटन ऐड करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ बटन नहीं मतलब यहाँ पे बटन ही आपका हाइड हो जाएगा,
फोर्थ बटन अभी नेक्स्ट बताऊंगा। यहाँ पर देखते हैं बिना बटन के हो चुका है, नेविगेशन बार आ चुका है। अब नेविगेशन बार आने से ये फायदा है कि यहाँ पर देखते हैं एक बैग जाने की जरूरत नहीं, एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच हो सकता हूँ बिना बैग जाए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, अगर इसका यूज करना है तो कर सकते हैं। और नेविगेशन बार को आप हाइड भी कर सकते हैं, देखते हैं अब ये हाइड हो चुकी है, नेविगेशन बार नहीं है और यहाँ से बैक होएगा मेरा फोन, यहाँ से बैक होएगा, होम स्क्रीन पर इस प्रकार से जाएगा। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है बिना बटन के अपने फोन को यूज करना चाहते हो आईफोन जैसे, तो वो आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलता है गेस्चर एंड शॉर्टकट का, यहाँ पे मिलेगा डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। जी हाँ, अब इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेटर। अब यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ डबल टैप किया, कैलकुलेटर खुल गया। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। पावर बटन पर जो भी आपको रखना है यार, आपका कैलकुलेटर नहीं बट कुछ भी हो सकता है, साइलेंट मोड आपको एक्टिवेट करना है, मान लीजिए पॉकेट में साइलेंट में डबल टैप कीजिए साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट मोड का ज्यादा यूज करते हैं इस मोड पर, तो आप जो यूज करना है कर सकते हो। जी हाँ, और इस फोन के अंदर यहाँ पे देखते हैं थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ और साथ में एक फुल स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ। स्क्रॉल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखते हैं डबल स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बहुत लार्ज स्क्रीनशॉट लेना है तो एक ही बार। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर, जी हाँ, इसको मैं ऑफ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे 100 मोड 2.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, यहाँ पे देखते हैं इसको ऑन कर दीजिए और इसको नीचे की ओर से स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे देखते हैं नेविगेशन बार के अंदर भी आप 100 मोड का यूज कर सकते हो, एक हाथ से अपने फोन का यूज कर सकते हो नेविगेशन बार के अंदर। जी बिना बटन के तो आप बटन में तो कर ही सकते हो, बिना बटन में भी आप इसके अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर। जी हाँ, इसके अंदर आप रैम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 4GB वाला पोको M4 बाय किया तो यहाँ पे आप 1GB रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे 5GB हो जाएगी इसको ऑन करने के बाद, इससे आपकी रैम मैनेजमेंट काफी अच्छी देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे 6GB वाला आपने बाय किया तो वहाँ पे 2GB रैम एक्सटेंड करने का आई थिंक फीचर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एजिबिलिटी के अंदर जाते हैं और एजिबिलिटी मेन्यू के अंदर जाते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, अलो कर देते हैं तो यहाँ पे एक और बटन ऐड हो चुका है, देखते हैं इस पर क्लिक करते हैं तो काफी सारी चीजें यहाँ पे क्यूक वगैरह कर सकते हैं, जैसे टॉगल्स ओपन करना यहीं से आप कर सकते हैं। मान लीजिए एक हाथ से वर्क कर रहे हैं तो इस टॉगल से ही सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट पावर ऑफ, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। मोर सेटिंग में जाके इसके ट्रांसपेरेंट को आप कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए और साइज को लार्ज या मीडियम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इस फीचर को ऑफ कर देता हूं, अगर आपको यूज करना है तो बेशक आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। फीचर भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है एजिबिलिटी के अंदर। जी हां, विजन के अंदर जाएंगे यहां पे देखने को मिलेगा मैग्निफिकेशन, इसको आप ऑन कर दीजिए अलो कर दीजिए। अब ये देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप में, इस सेटिंग को भी आप जूम कर सकते हैं, आपने फोटो एंड वीडियो को तो जूम की होगी लेकिन अपने सेटिंग को भी आप जूम कर सकते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है मैग्निफिकेशन वाली, जिसका यूज करना है तो बेशक आप कर सकते हैं। काफी सारे इसमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलती है, जिन्हें आप यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो हम चलते हैं बैक, और वो आपको देखने मिलेगा ऐप्स के अंदर। जी हाँ, इस फोन के अंदर बिना थर्ड पार्टी ऐप के अंदर ऐप भी लोग लगा सकते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप कर सकते हैं। और इस फोन में आई थिंक हिडन ऐप वाला फीचर इसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको दिखाता हूँ, मैंने काफी सारी चीजें हिडन भी करके इसको करता हूँ और यहाँ पे मैं थ्री फिंगर बार इस प्रकार से करूंगा तो कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। जो भी आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे फर्स्ट टाइम पासवर्ड ये मांग सकता है। तो फिलहाल के लिए पासवर्ड मेरे जो अमेजोन ऐप हाइड करके थे तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, अपने ऐप ड्रॉवर के अंदर जाना इस प्रकार से करेंगे तो ये चीज आप यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप हाइड ऐप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है इस बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर जैसे कि मैंने बताया था ना शुरू के अंदर, यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड एंड देखने को मिलता है, गेम ट्रबल में ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेव बैटरी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बैटरी आपके पास कम है, 5 से 10% सेव बैटरी कर दीजिए, सारी चीजें बैकग्राउंड में सभी को क्लोज कर देता है और आपकी बैटरी बैकअप पर ध्यान देता है। परफॉर्मेंस मोड पर क्या होगा, आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी लेकिन थोड़ी बैटरी ज्यादा खाएगी, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपके यूजेस के हिसाब से इन तीनों ही मोड का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। जी हाँ, आप मान लीजिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज करते हो, इसमें पता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रेस पे कर रखा, अब मैं देखते हैं इसको प्रेस करूंगा जब भी यहाँ पे मेरा फोन अनलॉक होता है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे टच पे तो यहाँ पे बस मुझे फिंगरप्रिंट को यहाँ पे टच करना होगा। ठीक है, यहाँ से मैं टच करता हूँ तो इंस्टेंट ये अनलॉक हो जाता है, मुझे टच वाला काफी अच्छा लगता है। तो आप जो भी यूज करना था, आपको प्रेस पे करना है तो प्रेस पे कर सकते हैं, टच पे करना है तो यहाँ पे टच पे कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलेगा इसके होम स्क्रीन वाले फीचर के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काफी सारे फीचर आपको देखने मिले। सबसे पहले आइकन पैक, आप आइकन पैक यहाँ पे चेंज करना है तो कर सकते हो, ऐड में जाके आपको डाउनलोड वगैरह करनी पड़ेगी। और इसके अंदर बैकग्राउंड में जाके आपका बैकग्राउंड कितना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जैसे कि मैं फुली ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ तो मेरा देखते हैं ऐप ड्रॉवर ट्रांसपेरेंट टाइप में हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप में फीचर देखने को मिलता है, तो अपने हिसाब से आपको जो भी यूज करना है डेफिनेटली इसका कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको पूरा वैसे ही कर देता हूँ अप्लाई। और यहाँ पे और भी कुछ फीचर देखने को मिलता है, नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखते हैं
ऐप ड्रॉवर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐप सजेशन को वर्क कर दीजिए, कलर वगैरह आपको चाहिए वहाँ पे ऐप ड्रॉवर के अंदर, तो यहाँ पे कलर वगैरह भी आपको शो करेगा इस टैब में, इस कलर में कौन कौन से आइकन्स हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको नीचे की ओर देखने को मिलता है, यहाँ पे देखते हैं हाइड ऐप आइकन जो मैंने बताया ना वो थ्री फिंगर वाला, तो यहाँ से आपको ऑन भी करना पड़ेगा जब 100% आपका वर्क वगैरह करने लग जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर की, इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट पे आप MIUI पे कर देंगे तो आपको लार्ज में थोड़े नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, एंड्रॉइड पे कर देंगे थोड़े मतलब स्लिम देखने को मिलेंगे, पतले देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर स्टाइल का, मान लीजिए कंट्रोल सेंटर है, ये देखते हैं पुराना सा ओल्ड सा कंट्रोल सेंटर, आप बोर हो चुके हैं एक दो महीने बाद न्यू वर्जन पे क्लिक करो, यहाँ पे आईफोन जैसा आपका अनेबल हो जाएगा कलरफुल टाइप, बहुत अच्छा लगता है यार ये वाला, ये आप यूज करके देखना, ये कंट्रोल सेंटर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर उस कंट्रोल सेंटर को एक्टिवेट ही नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। नीचे अगर स्टेटस बार में जाके नोच को हाइड कर सकते हैं, नोच है ना हाइड कर दो, भाई हाइड हो चुके हैं हम बिल्कुल, देखते हैं नोच ही नहीं दिखना, तो इस प्रकार से हाइड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ पे कितने बैटरी परसेंटेज आपके फोन में, ये फोन लो तो डेफिनेटली ये सेटिंग कर लो यार, बैटरी परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये फीचर भी ऑन कर लेना जब अपने फोन को लो शो कनेक्शन स्पीड, तो यहाँ पे जो नेट की स्पीड आ रही होगी वो भी आपको शो करता रहेगा इस फोन के। नेक्स्ट फीचर की बात की तो वो मिलेगा आपको मोबाइल की सेटिंग में, सेटिंग में जैसे जाएंगे यहाँ पे मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, और इसमें एक अलग सा ऑप्शन देखने मिलता है साउंड असिस्टेंट, जी हाँ साउंड का असिस्टेंट भी देखने मिलता है, इसको ऑन कर दीजिए दोनों को फीचर को। अब बताता हूँ ये फीचर क्या है, मान लीजिए आप कोई भी यूट्यूब है ऐप का, मान लीजिए आपका कोई म्यूजिक प्लेयर हो सकता है जहाँ पे साउंड आता हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप मान लीजिए यहाँ पे प्ले करता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँगा तो जैसे यहाँ पे असिस्ट बटन देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, देखते हैं यूट्यूब ऐप का वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है ना कि पूरे सिस्टम का साउंड कम ज़्यादा आ रहा है, मैं देखते यूट्यूब का लोगो है ना, तो इसी प्रकार से आप म्यूजिक प्लेयर के अंदर करोगे तो म्यूजिक का वहाँ पे लोगो देखने को मिलेगा, मतलब हर पर्टिकुलर ऐप का यहाँ पे साउंड कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके सिस्टम के साउंड पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनली सेटिंग में जाके साउंड इफेक्ट के अंदर जाके काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ईयरफोन लगाएंगे तो आपको उसकी ऑडियो क्वालिटी इनहेंस करनी है तो वो फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, किस प्रकार का इफेक्ट चाहिए गेमिंग प्रकार का तो उस प्रकार का वहाँ पे फीचर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया वो आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर, जी हाँ इस फोन में आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, अपने फोन को डार्क मोड में देख दो मैंने कर दिया, सारा का सारा कुछ डार्क हो चुका है, कई सारे ऐप्स भी यहाँ पे डार्क हो चुकी है, और इस डिस्प्ले के अंदर जाके मोर डार्क मोड सेटिंग में जाके इसमें मतलब काफी सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपके वॉलपेपर को भी डार्क करना है क्या, या आपका जो वॉलपेपर जो आइकन के नेम होते हैं उनके भी मोड डार्क होने चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत डार्क दिखेगा तो वो अपने हिसाब से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं कर देता हूं इसको वापस से, और ब्राइटनेस लेवल पे जाएंगे तो इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का ब्राइटनेस लेवल है, सभी में तो आपने देखा होगा ऑटो ब्राइटनेस देखने को मिलता है, लेकिन इसमें देखो क्या चीज देखने को मिलता है, ऑटो ब्राइटनेस देखने को मिलता है, सनलाइट मोड का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, सनलाइट में बोल आपका ब्राइटनेस कम ज्यादा होएगा और कहीं ज्यादा कम ज्यादा नहीं होएगा, तो ये फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है ना, काफी इंटरेस्टिंग फीचर। फिलहाल के लिए हम इस ब्राइटनेस को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं यार। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो इस फोन में आपको पता है कि कल स्क्रीन रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ का देखने को मिलता है, तो इस फोन में 90 हर्ट्ज़ कर देंगे, बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज़ पे ही होगा जब आप अपने फोन को लेंगे, 90 हर्ट्ज़ पे करेंगे तो आपका फोन देखते कितना स्मूथ चलेगा भाई साहब, इतना ज़्यादा स्मूथ, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, मक्खन की तरह उड़ेगा आपका फोन, ठीक है, मतलब मक्खन की तरह चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो इसमें टेक्स्ट के साइज को छोटा लार्ज मीडियम आपको जो करना है इसके अंदर कर सकते हैं। रीडिंग मोड 3.0 का सपोर्ट इसमें आई थिंक देखने को मिलता है, मान लीजिए आप पेपर पर स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो पेपर मोड एक्टिवेट कर दीजिए, आपकी आंखों पर कम इफेक्ट पड़ेगा, तो ये फीचर आपको देखने मिलता है, अगर यूज करना चाहते तो बेशक आप इस फीचर का आप यूज वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करो तो ये फीचर आपको हाइड देखने को मिलते हैं, जी हां इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक्टिविटी लॉन्चर को डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हाइड फीचर फाइंड करने का काम आती है, और इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं। सर्च बार में आप जाएंगे AI HDR आपको सर्च करना है तो ये आपको देखने मिलेगा AI HDR एनहांसमेंट वाला फीचर, जी है ना हिडन करके रखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने बता दिया यार इस बात पे एक लाइक बनता है यार, लाइक करो यार। तो देखते हैं यहाँ पे देखते हैं AI HDR, और बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार नहीं जाना तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए और यहाँ पे जाके अदर परमिशन में जाके, कहाँ गया इसका अदर परमिशन, तो यहाँ पे हम जाते हैं अदर परमिशन पे, शॉर्टकट को यहाँ पे ऑलवेज शो कर देना है, उसके बाद इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेना, आपके होम स्क्रीन पे इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, आपको बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बता रहा है ऑन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलेगा AI HDR एनहांसमेंट, और भी फीचर आपको देखने मिलते हैं यहाँ पे, देखने AI इमेज आपको सर्च करना है, इस बारी AI इमेज इन्हांसमेंट का फीचर भी देखने मिलता है, इमेज को इन्हांस करते का देखते हैं, ये इमेज देख दिखा रहा है शो भी कर रहा है, ये इमेज इस प्रकार से थी, इसको ऑन करने के बाद इसकी क्वालिटी देखते हैं इन्हांस हो चुकी है, तो ये देखने को मिलता है AI HDR इन्हांसमेंट वाला फीचर। और ये फीचर देखने को मिलता है अभी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलता है, MEMC सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा MEMC वाला फीचर, स्मूथनेस देखते हो बता रहा है किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, आप ठीक पता नहीं ठीक तरीके से वर्क करता है कि नहीं करता, लेकिन ये फीचर आपको जरूर से जरूर इसके अंदर देखने को मिल जाता है,
जिसे यूज करना है तो बेसिक आप कर सकते हो। और भी फीचर आपको दिखाता हूँ जो कि हाइड सबका शॉर्टकट क्रिएट कर लेना, जैसे मैंने बताया FRONT फ्रंट कैमरा यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक ये फीचर देखने को मिलना होना चाहिए इसमें। तो फ्रंट यहाँ पे देखते हैं फ्रंट कैमरा इफेक्ट, हालांकि ये इस फुमार का फीचर नहीं है जिसमें पॉपअप कैमरा होता है उनमें फीचर पाया जाता है, लेकिन साउंड मैंने हाइड करके रखा हुआ है यार, किसी फ्रेंड वगैरह को बहुत सारे फीचर दिखाऊंगा तो मजे आते ना। तो उसी प्रकार सारे फीचर एक्टिवेट वगैरह करके आपको दिखा रहा हूँ, ये फीचर भी आपको इसके अंदर हिडन देखने को मिलता है। और वीडियो में वैल्यू लग रही है तो लाइक करो यार, ऐसे मत किया करो यार। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो इस फोन के अंदर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड इसके अराउंड यहाँ पर राइटिंग इफेक्ट किस प्रकार से लगा सकते हैं कैमरा के अराउंड। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले AOD आपको सर्च करना है, AOD इसको सर्च करेंगे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप एक्टिवेट वगैरह कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है, सबसे पहले स्टिकर आपको किस प्रकार का चाहिए, जैसे कि जो भी आपको स्टिकर पसंद आ रहे हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये इसके अंदर आप लगा सकते हैं, सेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा वॉच फेसेस का स्टाइल आपको किस टाइप में चाहिए, वो भी इसके अंदर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो बेसिक आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलेगा बैकग्राउंड आपको जो रखना है, तो जो भी अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आता है। फॉन्ट स्टाइल मैं बोल्ड रखता हूँ थोड़ा अच्छा लगे देखने में, डेट स्टाइल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सेटिंग करने के बाद, इसकी परमिशन देने के बाद, ये आपके फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक्टिवेट वगैरह हो जाता है, ठीक है। अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, स्टिकर वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अभी और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट ऑन करने के बाद ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। यहाँ पे एज लाइटिंग का फीचर भी देखने को मिलता है, इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं एज लाइटिंग पे। एज लाइटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलेगा एज लाइटिंग एनिमेशन, जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए। मेरे को ये नोटिफिकेशन अच्छी लगती है, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो ये एज ब्लिंक करे, तो कुछ इस प्रकार का इफेक्ट भी इसमें एनेबल कर सकते हो। तो ये तो आपने सीख लिया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन कैमरा के अराउंड यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट कुछ किस प्रकार से एनेबल करें, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना NOTCH नोच पाई, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा और ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ़ोन के अंदर। इसको ओपन कर लेना अपने फ़ोन के अंदर, तो सिंपली ओपन होने के बाद देखते हैं कि सब कुछ परमिशन देने के बाद आपको यहाँ पे नो स्टाइल चेंज करना, नो स्टाइल आपको कौन सा चाहिए, इस प्रकार का चाहिए, इस प्रकार का चाहिए या इस प्रकार का चाहिए, जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्फिग में जाके जैसे कि बैटरी परसेंटेज में जितने आपके फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज होगी उस हिसाब से इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मेरे फोन में 27% बैटरी है, तो 27% बैटरी से यहाँ पे देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, ग्रीनिश टाइप में, लेकिन मैं थोड़ा इसको येलो वगैरह कर देता हूँ, येलो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो येलो करेंगे तो इस जब इतने परसेंट की बैटरी होगी तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखते जैसे कि मेरे फोन में अनेबल हो चुका है। आप दिखाता हूं ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आपको कैसा देखने को मिलता है, डायरेक्ट यहां पे देखते हैं नोटिफिकेशन आता है, स्क्रीनशॉट ले रखा है, देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्लस रिंग, काफी अच्छा लग रहा है। तो यही देखने को मिलता है आपको पोको M4 के कुछ टिप्स एंड टिप्स और हिडन फीचर। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।